First Choice Kids Wear Ramadan Special Offer Up to 40% Discount के साथ एक लेटेस्ट कलेक्शन में हलीमा सुल्तान, शरारा पम्पलम, गाउन, बॉयज फुल सूट, वेस्टर्न आउटफिट और भी बेहतर सर्विस, प्रीमियम क्वालिटी, सबसे सस्ता और अच्छा। रमजान में आपकी फेवरेट शॉपिंग की चॉइस सिर्फ फर्स्ट चॉइस किड्स है। लॉकडाउन की वजह से दुकान बंद है, आप नीचे दिए नंबर पर कॉल करके ऑर्डर दे सकते हैं। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। आपको बता दें कि विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान, रूता अवहार्ड और मनसे के नेता अविनाश यादव ने ठाणे महानगर पालिका के मुख्य कार्यालय पर आज विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवहार्ड ने मुमरा शहर के बिलाल अस्पताल में जब ऑक्सीजन खत्म हो गया था उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन मुहैया कराई थी, जिसके बाद फिर शानू पठान ने ऑक्सीजन मुहैया कराई। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसे जनप्रतिनिधि जो है कब तक अस्पतालों में इस तरह की मुहैया कराते रहेंगे। ठाणे महानगर पालिका की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जो जिस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उसको पूरा करने में इन्हें काम करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें अस्पतालों में, अगर देखा जाए तो ना ही ऑक्सीजन की सेवाएं ज़्यादातर है, ना ही रेमडेसिविर इंजेक्शन है और ना ही बेड खाली है, जिसकी वजह से मरीजों को काफ़ी दिक्कत हो रही है। और इसी को लेते हुए जो है आज ठाणे महानगर पालिका के मुख्य कार्यालय ठाणे में है एक विरोध प्रदर्शन जो है किया गया। खास तौर पर रूता अवहार और शानू पठान और मनसे के नेता अविनाश यादव ने वहां पर बैठकर जो है धरना प्रदर्शन किया। इस धरना प्रदर्शन के दौरान ठाणे महानगर पालिका की जिस तरह से लापरवाही है उस के लिए इन लोगों में काफ़ी नाराज़गी देखी गई और उनकी मांग है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में कोरोना की लहर तेज़ी से बढ़ती जा रही है और स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो बेहद ही ख़राब होती जा रही है, इसको सुधारने की बेहद ज़रूरत है। आज आंदोलन करते वक्त जो है शानू पठान और रूता अवार ने क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। देखिए, आप मीडिया वाले हैं, आपको पता है पिछले 10-15 दिनों से जब से कहर बढ़ा है कोविड का, तब से सब लोग चिल्ला रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, हॉस्पिटल्स को रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग भाग रहे हैं दर बदर। और जो भी चीजें जो इन्होंने मुहैया करा के देनी चाहिए थी पेशेंट्स को, कोविड पेशेंट्स को स्पेशली, वो आज भी थाना में नहीं मिल रही। और हम लोग ने हम कितनी भी कोशिश करें, आखिर ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, आखिर ये थाना महापालिका का काम है, उनके प्रशासन का काम है, ये उन सारे लोगों का काम है जो ये सारी चीजें हमारे पेशेंट्स तक पहुंचा सकते। तो मैं सिर्फ उन्हें यही अपील करना चाहूंगी कि अभी फिलहाल थोड़ा अपने घरों से निकलिए और खुद को सुरक्षित रख कर भी आप काम कर सकते हैं। और मैं यही कहना चाहूंगी कि उनके जितने भी टीएमसी के सेटअप है, दे आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब, उनके लिए हमें कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन उनके बॉसेस जब तक हिलेंगे नहीं तब तक वो नीचे वाले लोग भी थोड़े से मजबूर हो जाते हैं। वेंटिलेटर, इंजेक्शन और सबसे ज्यादा अब जो परिस्थिति चल रही है वो ऑक्सीजन के अंदर एक बार मिनिस्टर जितेंद्र आवाज जी लेके आए, एक बार मैं 6:30 बजे लेके आया, एक बार सुहास भाई लेके आए। तो एडमिनिस्ट्रेशन का क्या कर रहा है, सुबह 6:30 बजे एडिशनल कमिश्नर वाशी महापालिका के दिख रहे ऑक्सीजन लेने में, मुझे वो रोक रहे कि तुम नहीं लेके जा सकते। हमारे प्रशासन का है ऑफिस के अंदर बैठ के टेंडर किसको मिलना चाहिए उसकी सेटिंग कर रहे क्या, किसको टेंडर मिलना चाहिए उसकी सेटिंग हो रही है क्या, ये आने की चिंता का सवाल है। इसीलिए जब तक के एडमिनिस्ट्रेशन की जवाबदारी नहीं लेगा, यंत्र सही नहीं करेगा कि किसे आज प्राइवेट हॉस्पिटल को ऑक्सीजन नहीं मिले छोटे छोटे लोगों को, तो ऐसे में पेशेंट को क्या, तो जिम्मेदार कौन, किसके किसके पास जाए लोग, हमारी भी एक मर्यादा है, सीमा है लोक प्रतिनिधि, और डिसीजन जो होता है मेकर वो प्रशासन होता है, प्रशासन को अपनी जिम्मेदारी लेना चाहिए। जब तक ये पूरा व्यवस्था को सही करने की एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदारी नहीं लेगा तब तक हम यहाँ बैठेंगे।